हाल ही में हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की वेडिंग फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे देखकर काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि जिन ने मिलिट्री से आते ही शादी कर ली। क्या जो रूमर्स थे जिन के फादर के बारे में कि जिन के फादर ने जिन की शादी फिक्स कर दी है, क्या वो सच थे? क्या जिन के मिलिट्री से आते ही 10-15 दिन में जिन की शादी हो गई और वो वहाँ पर फोटोज भी क्लिक करा रहे हैं अपनी ब्राइड के साथ में? और कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि जिन ने बिना BTS नंबर्स के ही शादी कर ली, क्योंकि जिन की वेडिंग में कोई भी BTS नंबर नजर नहीं आ रहा है। क्या जिन ने BTS नंबर्स को अपनी शादी में नहीं बुलाया? लेकिन गाइस, जो भी आर्मीज इन रूमर्स को सुन रही हैं, उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको BTS की सभी अपडेट्स मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी बाकी आर्मीज की तरह ये सोच रहे हो कि BTS जिनकी शादी हो चुकी है और उन्होंने BTS मेंबर्स को भी नहीं बुलाया, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जिस शादी की फोटोज को आप सभी देख रहे हो वो जिनकी शादी की है ही नहीं। दोस्तों, असल में जिनकी शादी नहीं हुई है, बल्कि वो ब्राइड जिनकी कजन है। जी हाँ, ये जिन की कजन की शादी थी और जिन ने अपनी कजन की शादी अटेंड की है और वहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ बैठकर फोटोज क्लिक करा रहे हैं। और इनकी फोटोज में ये देखा गया है कि इनकी सिस्टर ने इनका हाथ पकड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच एक क्यूट सा इंटरेक्शन हुआ, जिसे देखकर कई सारे लोगों को ये लगा कि जिन की खुद की शादी हो रही है। और सोशल मीडिया पर बोला जा रहा था जिन एट वेडिंग सेरेमनी या फिर जिन वेडिंग सेरेमनी, तो इसे देखकर कई सारे लोगों को ये लगा कि जिन की शादी हो गई है। लेकिन अब फाइनली आर्मीज को पता लगा कि जिन की शादी नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी कजन की शादी में गए हुए थे।